अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल मटन कुन्ना। यहाँ हमने मिट्टी की एक हांडी ले ली है, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। सबसे पहले ऑयल आप घी में भी बना सकते हैं, तो यहाँ एक कप घी ऑयल डाल दिया हमने। इसके साथ ही इसमें जाएगा प्याज, एक दरमियाना प्याज था हमारे पास, ज्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं इसमें होता, एक दरमियाना प्याज था हमारे पास, इसको हमने रफ काट दिया इस तरह से। ये जाएगा और इसके बाद डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास 1/2 kg मटन है, ये हम डालेंगे। मटन डाल दिया हमने, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। और मसाले जो है बहुत बेसिक मसाले हम इसमें डालेंगे, ज्यादा लंबे चौड़े मसाले नहीं डालेंगे। 1 टेबल स्पून जाएगा भर के नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून। बस ये मसाले डाल दिए हमने। इसके अलावा एक मसाला और है जो कि इसमें बहुत जरूरी डालना, वो डालेंगे, वो थोड़ा ज्यादा डालेंगे। इसमें सूखा धनिया है हमारे पास, ये डालेंगे 3 टेबल स्पून तो ये 3 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दिया हमने। अब हम इसको पकने देंगे, इसमें डालेंगे पानी। पानी डालें कि जो 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको हांडी में पकने में, तो आप उस हिसाब से पानी डाल के इसको हल्की आंच पे रख दें ताकि अच्छी तरह से गोश्त गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें इसमें डाल दी हैं, अब हम इसको पकने देंगे जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। जी तो ये देखिए पानी खुश्क हो गया है और गोश्त जो हमारा बहुत अच्छा सा नरम हो गया है, गल चुका है। और ये देखिए घी भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से हम 2 से 4 मिनट तक भून लेंगे। हांडी में हमें 1.5 घंटा लगा है गोश्त गलाने में, आप अपने हिसाब से देख लें कि आपका जो गोश्त है कितनी देर लेता है गलने में, आप उसी हिसाब से उसका टाइम चेक करते रहें। इसको 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो ये देखें 4 से 5 मिनट हमें हो गए हैं भूनते हुए, हमें अच्छा सा घी लदा हो गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे, आप अपनी जरूरत के हिसाब से डाल लें जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। तो हम इसमें तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी डाल रहे हैं। तकरीबन 3 गिलास डाल दिया हमने पानी इसमें। अब इसमें बॉईल आने देंगे, इसको ढक के पकाएंगे। तो ये देखें 5 मिनट हो गए हैं, पानी डालने के बाद हमने पकने के लिए डाल दिया था, तो 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, ये हमारे पास 1/2 कप पानी है, इसमें हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के इसको हल कर लेना अच्छे से। इसमें ऐड कर देंगे, फौरन से मिक्स कर दें। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसका घी एकदम से गायब हो जाएगा, इसको आपने थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देना बिल्कुल, फिर इसका घी वापस निकल आएगा। और इस स्टेज पे जब हम इसको कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसमें और इसको दम पे लगाएंगे, हम इसमें ऐड करेंगे भुना पिसा जीरा 1 टीस्पून भर के और इसको दम लगा देंगे बस फौरन से, ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी निकल आए मसाले की और घी भी निकल आए।
ये देखिए जी 5 मिनट के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया, लेकिन ये अभी भी पक रहा है सालन, क्योंकि मिट्टी की हांडी में बनाया हमने और ये गर्म रहती है काफी देर तक, इसलिए ये पकता रहेगा थोड़ी देर और। अब हम इसको बंद कर दिया, चूल्हे का फ्लेम हमने बंद कर दिया और इसका पकने का वेट करें। जब ये पकना बंद हो जाएगा फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। और आपसे चाहेंगे इजाज़त इस दुआ के साथ कि अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।